बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सौदरी बस लाइव हूँ आप साथ में, और आपको अक्सर मैं वीडियो आप साथ ऐसे ही शेयर करता रहता हूँ। ये सफारतखाना से हरूम मतलूब वाले मेरे भाई जिनके इकामे एक्सपायर हैं वो मेरे भाई, और जो सऊदी कवानीन इनके मुतल्लक लेटेस्ट आ रहे हैं आप भाइयों को उनसे वक्तन फवक्तन अपडेट करता रहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इकामा एक्सपायर वाले हरूम मतलूब वाले इनके मुतल्लक मैं काफ़ी वीडियो पहले भी शेयर कर चुका हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्फॉर्मेशन भाई मैं आपको देता हूँ वैसे ही होता है। यानी कि सफारतखाना के थ्रू आप कैसे जा सकते हैं, तरहील के थ्रू आप कैसे जाएंगे, आपको कैसे भेजा जाएगा, आपके इकामे कितने एक्सपायर हैं, क्या बनेगा, इसके मुतल्लक मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। भाई मुझे अभी भी बहुत से कमेंट करते हैं कि भाई मेरा इकामा एक्सपायर है, मेरे इकामे एक्सपायर हैं। अच्छा, एक बंदे ने तो मुझे ये भी कमेंट किया था, भाई ये तीन इकामे क्या होते हैं? और भाई तीन इकामे सबको पता है, तेरे को नहीं पता है कि एक बंदे का एक साल हो गया, दो साल हो गया, तीन साल हो गया, यानी कि उसका इकामा ही नहीं रिन्यू उसने किया, उसको बोले उसके तो तीन इकामे हो गए। ये है जी तीन इकामे, ठीक है जी। अच्छा, वो अभी बात करते हैं, अगर आपका इकामा एक्सपायर है, बंदे बहुत से पूछते हैं भाई क्या बनेगा, हम वापस कैसे जा सकते हैं। मैं पहले तो आपको ये बता दूं आपका बनेगा क्या, ठीक है जी, उसके बाद वापसी की बात भी कर लेते हैं। बनेगा ये है कि जो मेरे भाई यहाँ पर पुराने मुकीम हैं वो तो इसके मतलब जानते हैं, और अगर आप भी एक दो दफा पकड़े जा चुके हैं तो आपको भी पता होगा। मैं अभी हाल ही अगर आपका इकामा एक्सपायर है आपको पकड़ लेते हैं, बदून कफील आप कहीं घूम रहे हैं, कफील दमाम का है, आप रियाज में घूम रहे हैं, जद्दा में घूम रहे हैं, और आप साए खास हैं ऊपर से, तो फिर आपका हो सकता है वो बदून कफील खरूज भी लगा दें, ठीक है जी, आपको यहां से निकाल दें। लेकिन अगर आपका एक इकामा एक्सपायर है, आप पकड़े जाते हैं, तो आपको वो फाइन करके छोड़ देते हैं चंद घंटों बाद कि अपना इकामा रीन्यू करो। वो फाइन आपके इकामे के ऊपर ही रहता है, जब आपकी कंपनी आपका कफील या आप खुद से अपना इकामा लगवाएंगे आपको वो फाइन भी देना होगा, जो कि 500 रियाल होता है। दूसरी बार आप पकड़े जाते हैं तो आपको 1000 रियाल का फाइन होगा, और आपको ये कहकर फिर छोड़ दिया जाएगा कि अपना इकामा रीन्यू करो और अपने कफील या कंपनी से बोलो या खुद से, ठीक है, जैसे भी वो आपके मामला अलग होती है, आपकी जाहरी सी बात है जो भी सूरत होती है। और इसमें आपको ये चीज मैं फिर वाजे करता चलूँ कि बदून कफील आपका खरूज भी लगाया जा सकता है, ठीक है जी। तीन इकामे वाला एक्सपायर वाला बंदा जब भी पकड़ा गया उसका खरूज ही है, ठीक है जी। उसके अलावा दूसरी अभी बात कर लेते हैं जी, इकामा एक्सपायर है तो बनेगा क्या, ये बनेगा जी, जेल में आपको लेकर जाएंगे, आपके पैसे वगैरह जो भी मोबाइल वगैरह जितने भी है वो आपके जमा करेंगे अलहदा से, नहीं सॉरी, आपके पास ही रहेंगे वो, आपको आपकी लिखेंगे हर चीज़, ठीक है। उसके बाद आपको जेल भेज दिया जाएगा चंद घंटे बाद, अगर आपके ऊपर कोई केस वगैरह है तो फिर आपको नहीं छोड़ा जाएगा, अगर केस वगैरह कुछ नहीं हुआ तो फिर आपको छोड़ दिया जाएगा फाइन करके आपके नाम के ऊपर, ठीक है, समझ आ गई है जी। अभी ये जा कैसे सकते हैं भाई, एक तो सफारतखाने के थ्रू आप जा सकते हैं, सफारतखाने में जाकर पेपर जमा करवा दें। मैं जल्दी जल्दी ये बात कर देता हूँ क्योंकि पहले भी मैं बहुत सी वीडियो में ये बात शेयर कर चुका हूँ, आप पेपर जमा करवा सकते हैं अपना भाई खरूजन हाई का, शर्त है कि आपका कफील आपकी कंपनी रेड होनी चाहिए, वो चंद माह में आपका खरूज लग जाएगा, आप अपने घर जा सकते हैं टिकट लेकर बा इज्जत तरीके से, और न्यू वीजा के तौर पर सऊदी अरेबिया में आ भी सकते हैं, ठीक है। अगर आप यानी कि सफारतखाने के थ्रू आप नहीं जाना चाहते या आपका कंपनी रेड नहीं है, ये कोई और मसला है, तो फिर भाई आप मकतबे अमल चले जाइए, अपने कफील वगैरह अपनी कंपनी वगैरह के ऊपर केस कर दे, मैंने घर जाना, मुझको घर नहीं भेज रहा है, ठीक है। अगर आप उस तरफ नहीं जाना चाहते, आप बोलते यार मैं उधर कैसे जाऊंगा, मुझे भाई पता नहीं है ये वो मैं, तो फिर भाई ये होता है कि अगर आपको किसी शूटर ने पकड़ लिया तो वो आपको ले जाएगा जेल में रखेगा जितने दिन वो रखेगा, आम रूटीन के मुताबिक। हाल ही में एक जानने वाला गया था जी, मैंने उसके बातचीत की है, तो वो बोल रहा था कि 13 दिन या 14 दिन मुझे लगे हैं, यानी कि 15 दिन का आप हिसाब लगा रहे हैं, 10 to 15 दिन। तो वैसे सुनने में तो बहुत कुछ आता है जी, 7 दिन 8 दिन में भेज देते हैं, लेकिन उनके मामला कुछ अलग होते हैं, जो भी है जी वो मैं इसके मतलब कोई बात करता भी नहीं हूँ, ऐसे बारी आप भाइयों को पता होगा, लेकिन आम रूटीन के मुताबिक 12 से 15 दिन मैंने सुना है जी लग जाते हैं, अगर आप पकड़े गए आपके इकामे एक्सपायर हैं आपका सफर करवा दिया जाता है। लेकिन उसमें ना तो कोई आप सामान साथ लेकर, आप कुछ भाई मुझे कमेंट करते हैं तरहील के थ्रू भाई सामान ले जा सकते हैं, भाई आप तो अपना सामान वगैरह भी नहीं साथ में ले जा सकेंगे, और सिर्फ आपके जो पैसे वगैरह होंगे, जो आपका मोबाइल पर्स वगैरह होगा वो आपके साथ जाएगा। अच्छा, इसके मतलब आपको फिर वाजह कर दूं, 500 रियाल मैंने सुना है जी अंदर जाने देते हैं, साथ में अगर जायद पैसे होंगे वो बाहर आपके जमा होंगे, मोबाइल आपके बाहर जमा होंगे, वॉलेट आपका यानी कि पर्स आपका बाहर जमा होगा, वो आपके एक पार्सल बनाकर रख दिया जाएगा, जब आपको आपका पासपोर्ट आपके सफारतखाने वाले ले जाएंगे, आपका खरूज लगकर आ जाएगा, फिर आपको निकालेंगे जब एयरपोर्ट के लिए, तो उस टाइम वो पार्सल आपका आपके हाथ में पकड़ा दिया जाएगा, उसमें से कोई किसी किस्म की चीज गायब नहीं होगी। तो आपको एयरपोर्ट के ऊपर ले जाकर वहां पर एक ट्रोजर शर्ट दिया जाता है, ये नहा लो पहन लो, उसके बाद आपको वो पार्सल आपका पास ही आपके होता है, फिर एयरपोर्ट के ऊपर वो आपको जमा करवाना पड़ता है, आपके मोबाइल भी, ठीक है जी, मोबाइल भी वहां पर जहाज के अंदर नहीं ले जाने देते हैं, तो पैसे अपने आप पास रख लें, जाकर आप उतरते हैं इंडिया पाकिस्तान वगैरह में तो वहां एयरपोर्ट के ऊपर आपको वो पार्सल आपका मिल जाता है।
तो ये बात है जी, अभी की जो मैं अभी तक के सूरत हाल है, लेकिन इसमें जाहरी सी बात है चेंजिंग होती रहती है, आने वाले वक्त में कुछ चेंजिंग हो जाएंगे वो एक अलग से बात है। अभी तक के आपका इकामा एक्सपायर है तो बनेगा क्या, जा कैसे सकते हैं, स्वार्थ खाना, मकतबे अमल, तरहील वगैरह, तो ये तमाम तरह तफसील मैंने यकीनन आप भाइयों के साथ इसी वीडियो में शेयर कर दिया। मजीद आप भाइयों को इसके मतलब कुछ और जानना हो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, उसके मतलब भी आपको बता दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।